Hey friends, welcome back to a new video. तो आज हम ट्राई करने वाले हैं बहुत सारे राइस combinations, जिनमें से कुछ combination शायद अच्छे भी हो सकते हैं और कुछ combinations बहुत ही ज्यादा weird भी होने वाले हैं। तो भाई हम क्या क्या combinations लेने वाले हैं और कौन सा combination अच्छा बनता है और कौन सा बेहद भयानक वाला weird बनता है, वो सब जानने के लिए आज की चैलेंज पूरी देखना। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक जरूर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की चैलेंज शुरू करते हैं। यस, सो लेट्स गो। जैसे कि आपको बताया कि आज हम बहुत सारे राइस कॉम्बिनेशंस ट्राई करने वाले हैं, लेकिन भाई सबसे पहले चाहिए हमको राइस, क्योंकि भाई राइस का कॉम्बिनेशन करना है तो राइस तो चाहिए ही चाहिए। हाँ। तो भाई ये रहा हमारा राइस, और अभी हम पहले लेवल में दो अलग अलग चीजें लेंगे, उसमें से एक चीज शायद कॉम्बिनेशन अच्छा बनने का चांसेस है। हाँ, चांस होगा उसमें। और एक जो चीज है वो तो भाई राइस के साथ पक्का एकदम मतलब घटिया ही लगने वाली है भाई, वो तो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। तो अभी पहले लेवल की जो दो चीजें हैं उसमें से कौन सा बंदा कौन सी लेगा, थोड़ी सी अच्छी होने का चांस वाली चीज या फिर पूरी की पूरी घटिया होने की गारंटी वाली चीज। हाँ। तो वो डिसाइड करेंगे हम किसकी मदद से, भाई ये सारे कप्स की मदद से। और आप देख सकते हो कि हमने इस तरह से सेट कर दिया है कि सबसे ऊपर हमारा अलग कलर का कप है। तो इसको करना ये है कि हमको नीचे से एक कप निकालना है, ऊपर डालना है, फिर एक निकालना है, ऊपर डालना है। ऐसे करते करते देखिए ये वाला जो ग्रीन कप है वो नीचे आ गया दो कप, तो उसको पूरा का पूरा ऐसे नीचे लाकर फिर वापस सबसे ऊपर डालना है। जिसका सबसे पहले ये हो जाएगा वो खाएगा थोड़े से अच्छे कॉम्बिनेशन बनने की चांस वाली चीज। हाँ। और जो भाई हार जाएगा वो तो भाई वो वीएडी कॉम्बिनेशन खाने वाला है। हाँ। चल रेडी, 3-2-1 गो। ओए विशु तेरी स्पीड ज्यादा लग रही है मेरे से। अरे क्या ज्यादा, अबे गया एक भाई। तो चालू तो रख, लेकिन अरे चालू तो रख, अबे तू रुक क्यों जा रहा है। डन 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 भाई मेरा एक कप गिर गया, लेकिन कोई बात तो गिर गया तो अबे बस अभी रुक तो था। अरे रुक ना, अरे तेरा गिर गया लेकिन तू ये चालू तो रख सकता था ना वापस उसको। हाँ, लेकिन वो ऐसा दिमाग में भाई हड़बड़ी में ऐसा हो गया कि मैं रुक गया। होता है हड़बड़ी में, हमेशा गड़बड़ी हो जाती है। तो भाई देखो अभी आकाश भाई राइस के साथ खाएंगे ये मनचाओ सूप। और भाई राइस के साथ मनचाओ सूप यानी कि वो ट्रिपल राइस है, ऐसा क्या खाते हैं जिसके साथ ग्रेवी आती है भाई? जो चाइनीज राइस होता है ना, तो फ्राइड राइस के साथ ऐसी सारी वो ग्रेवी आती है। तो भाई ये सूप भी ऐसा ही होगा है, क्योंकि ये सूप भी ठीक है देखो, और इसके अंदर सारे वेजिटेबल्स और ये करी जैसा ही होगा है। हाँ, वैसे ये वाला सूप मतलब राइस के साथ, ऐसे राइस के साथ नहीं खाया जाता, फ्राइड राइस के साथ खाते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी इतना गंदा नहीं लगेगा, वो हम आज टेस्ट करके देखेंगे। लेकिन ये ले भाई तेरी अमानत। और अभी विश्व को जो ट्राई करना है, जो कंफर्म 110% घटिया ही लगने वाली है वो चीज़ है। वैसे वो चीज़ अकेली मतलब उसको यूज़ करे तो भाई वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन राइस के साथ का कॉम्बिनेशन उसका बहुत ही बेकार हो जाता है। और वो है ये डेंटन माजा भाई। तो राइस के साथ माजा, अभी देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा आएगा। कैसा क्या, घटिया ही आएगा। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा थोड़ा राइस ये बाउल में निकाल लेते हैं। ज्यादा मत लेना क्योंकि भाई तेरा तो वेस्ट ही होने वाला है। एक चम्मच, दो चम्मच, बस 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 भाई ये पनिशमेंट ही है, मैं सामने से इतना सारा ले रहा हूँ। मेरे को पता है विश्व क्या करेगा, पता है उसको। हाँ। अगर नहीं भी अच्छा लगा होगा ना तो ओ भाई क्या लग रहा है। ऐसा नहीं भाई, मैं सच बोलूंगा। चलिए भाई सबसे पहले मैं डालूंगा ये माजा, और मैं डालूंगा ये मनचाओ सूप। ये सीटी बजी, सूप बोलते बोलते मेरी सीटी बज गई। और ले भाई ये हो गया देखो, ये पूरा आ गया। वाह 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 वा। मेरे को इसकी जो स्मेल आ रही है ना, हाँ भाई स्मेल तो अभी मुझे वो लेने दे ला। ये देख, क्या बात है भाई। रुक जा, पहले मैं थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ फिर तेरी वाट लगाते हैं। क्या है एंजॉय भाई, वो तो पता ही है कि ये प्लेन राइस के साथ ये सूप भी अच्छा ही लगेगा भाई, चाइनीज सूप है तो। चलिए तो अभी बारी है मजा प्लस राइस की। हाँ, ये कॉम्बिनेशन ट्राई करने की भाई, वियर्ड अच्छा लगा बोला ना तो दूंगा एक।
अबे बहुत मस्त लगा, मैंने बोला ना यही करेगा, फालतू की चीटिंग ला, मेरे को टेस्ट करने दे। भाई देखो ये राइस ऐसी चीज है ना कि सब में ऐसी वो मिक्स हो जाती है, तो मतलब आज की चैलेंज का कोई मतलब ही नहीं है फिर। भाई सच में कुछ वियर्ड नहीं लग रहा है मुझे। क्या बात कर रहा है, अबे चल चल जल्ला, मजा का बाद में टेस्ट आ रहा है, वही अच्छा लग रहा है, राइस के साथ बहुत ही घटिया लग रहा है। कुछ भी आप ट्राई जरूर करना, मरना मत करना, ये अच्छा है, ये सही में अच्छा है। तो अभी सेकंड लेवल में हमको ये पिरामिड बनाना है ये सारे ग्लासेस का। तो ऑलरेडी बन चुका है। नहीं भाई अभी हम सीधा कर देते हैं, अभी पिरामिड बनाना है हमको। अभी तो चल, जिसका सबसे पहले पिरामिड बनेगा उसको भाई वो जैसे पहले लेवल में था अच्छी कॉम्बिनेशन होने वाली चीज, मतलब चांस होने वाली। हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, वही और अच्छा कॉम्बिनेशन बनने का चांस होने वाली चीज। भाई भाई बहुत ही कंफ्यूजिंग है। नहीं नहीं हम सिंपल भाई लैंग्वेज में बोल देगी, अच्छी चीज और वियर्ड चीज बस। हाँ भाई ऐसा समझ लो। चल सबसे पहले जिसका ये बना और बनने के बाद वापिस उसको बंद करके ऐसे रखने का है। हाँ बस ऐसे ही उल्टा, 3-2-1 गो। डन। वैसे भी तेरा बाद में ही बना था, बना भी बाद में ही था वैसे यार। वैसे भी विश्व हारा हुआ था और उसकी गलती की वजह से और हार गया भाई। ये देखो हड़बड़ी में क्या क्या हो जाता है, मुझे लगा कैसे बस डन बोल के बस हो गया। मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी भी बोला था कि हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी होती है भाई, जल्दी का काम शैतान का। तो अभी जो विश्व चीज ट्राई करेगा दूसरे लेवल की जो वियर्ड वाली है, सबसे पहले वो दिखा देते हैं। वो है डन टन 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 पानी पूरी का पानी। भाई राइस के साथ कौन खाता है ये, तू खाएगा ना अभी हम सब देखेंगे। वाह कैसा लगेगा पानी पूरी का पानी और राइस, और ये भी खाऊंगा और साथ में ये है पाव भाजी। हाँ वो मैं खाऊंगा, अबे वो मेरा है भाई। पाव भाजी के साथ राइस तो बहुत ही अच्छा लगता है, उसको भाजी पुलाव बोलते हैं। हाँ वैसे भाजी पुलाव में पुलाव होता है उसके साथ भाजी होती है, लेकिन फिर भी ये अच्छा ही लगता है। तो चलिए सबसे पहले अपनी अपनी चीजें राइस के साथ मिक्स कर लेते हैं। भाई मेरा तो ये सिर्फ पानी ही है, इसमें तो क्या कुछ मिक्स करना भाई। एक एक चम्मच से डालेगा तो कम आएगा विश्व, ज्यादा डाल। नहीं भाई ज्यादा आएगा। वाह तुझे एक तो खाना नहीं है और भाई ऊपर से बोल रहा है एक ज्यादा कम। तो इसी में तो मजा है भाई, ये मेरा वाला तो ऐसे ही है, अभी इसको देखने में किसी को इतना मजा नहीं आएगा जितना मजा उसको देखने में आएगा। भाई ये पालक राइस ले 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 ले। ये देख भाई ये देखो ग्रीन कलर का हो गया। ये स्मेल कर सिर्फ, क्या बात है भाई, इतनी खतरनाक स्मेल। जल्दी ओल्ड टेक्निक, इसकी हवा पूरी सबकी हवा ऐसे फेफड़े तक जाती है ना, इसकी हवा पूरी पेट तक चली गई भाई। लाला जल्दी ओल्ड टेक्निक स्मेल करके ये खाता हूं। चलिए अभी सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा भाई, तेरा तो पता ही है कि अच्छा ही लगेगा। अभी इसको अच्छा बोलेगा ना तो दोहरा दोहरा के मारूंगा तेरे को। अरे भाई अच्छा लग रहा है। नहीं भाई ऐसा करके मेरे को टेस्ट करवाता है। नहीं नहीं भाई मैं आपको एक सच बात बताऊं, ये राइस ऐसा है ना कि आप किसी भी चीज के साथ खा लो आपको ऐसा वो वियर टेस्ट नहीं देगा, वो सब में मिक्स हो जाएगा। इसका टेस्ट भी ऐसा कि सब में ऐसा वो गुल मिल जाएगा। लेकिन पानी पूरी के पानी के साथ कैसे घुल मिल, कुछ भी बोलता है ये, असली है ये। आपको खाने में ऐसा वियर नहीं लगेगा, टेस्ट तो वो पानी का ही आ रहा है। विश्वा मैं देखो वैसे तो ये हमारी क्या होता है उसूल के खिलाफ है, तोहिन चैलेंज में ऐसा ट्राई करवाना, लेकिन फिर भी टेस्ट कर। भाई। यार ये जो भाई हम सारी रेसिपीज आपको भाई दिखा रहे हैं कि आपके घर पे ऐसा प्लेन राइस होता है तब इसके साथ खा सकते हो ऐसे ऐसे चीजों के साथ। तेरे को इतना कितना गंदा लगा एक राइस बाहर आ गया देख। भाई ये तो ट्राई कर। नहीं अबे कर रहा। भाई ये चीज बहुत मस्त है। कौन सी ये? तो तेरे को रोज खिलाऊंगा फिर मैं, चलेगा? मैं ऐसा कुछ जो वियर्ड ऐसा नहीं खराब नहीं लगता है। अबे क्या ये ना वो बोल गए ना गुजराती में कहावत है लाफो मारी ने गाल लाल रखो, मतलब चाटा मार के अपने गाल लाल रखने का। सबको ऐसा लगेगा कि भाई इसके अंदर बहुत लाली है, लेकिन सच्ची बात ऐसे भाई उसको जोर जोर से आली है। क्या विश्व तू भी
बस अभी बस कर, तीसरा लेवल बाकी है बस। भाई अभी थर्ड एंड फाइनल लेवल, अभी तक देखने जाए तो विश्व तेरे को वियर्ड चीज आई है दोनों में। लेकिन भाई वियर्ड चीज आई है, लेकिन भाई अच्छी लग रही है मुझे तो। भाई मैंने बोला ना वो चाटा मार के गाल लाल रखने वाली बात है। नहीं नहीं, आप ये अभी जितने भी मैंने चीजें जो ट्राई करी ना राइस के साथ, वो आप घर पे ट्राई करना एक बार। बाहर जाके ट्राई मत करना, सब देख लेंगे तो आपको सब पागल समझेंगे। मैं शादी में जाके ट्राई कर रहा, शादी में सारी चीजें होती है ना, सूप भी होता है, पानीपुरी भी होता है, राइस भी होता है। इसने ये सारी लोगों की शादियों में ही देखी है, खरीद के कभी नहीं खाई। क्या विश्व तू भी। चलिए भाई हो गया, अभी वैसे देखने जाए तो दोनों लेवल में विश्व को घटिया चीज मिली, तो विश्व भाई हार गया है। तो अभी थर्ड लेवल में हमको ये बनाना है, विश्व को बनाना है आधा पिरामिड और मेरे को बनाना है पूरा। भाई ये आधा नहीं है, एक कप कम है, तो मैं ऐसा बनाऊंगा और मैं ऐसा बनाऊंगा। अरे तो, नहीं ऐसा। तो भाई समझ लो हमने इस लेवल में क्या किया है, दो पिरामिड बनाने के लिए जितने कप्स चाहिए उसमें से एक कप हमने कम रखा है। हाँ। और ये सारे जितने भी कप्स है वो सब हम रखेंगे इधर साथ में, उसको हम एक एक करके लेंगे और फिर पिरामिड बनाएंगे। जिसका सबसे पहला पिरामिड बनेगा उसका भाई पूरा का पूरा बनेगा, और जिसका बाद में बनेगा उसका एक कप मिलना बाकी रह जाएगा। तो जिसका पिरामिड इनकम्प्लीट होगा वो ये वाला टास्क हार जाएगा और उसको मिलेगी घटिया कॉम्बिनेशन वाली चीज। भाई ये फाइनल लेवल है और अभी डेजर्ट का भी टाइम हो गया है भाई, तभी देखते हैं चीज कौन सी है। लेकिन उससे पहले भाई जीतना पड़ेगा मुझे। लेकिन जो भी होगी मीठी जरूर होगी। हाँ भाई चलो रेडी। और एक हाथ से ही लेना, ऐसा नहीं कि एक तू इधर बना रहा है दूसरा इधर होल्ड करके रखा है। ये हाथ हमको एक इधर रख देना है, फिर एक एक हाथ से हमको पूरा बनाना है। इधर रखा अभी इधर। अच्छा हाँ रेडी। यस थ्री। अबे ऐसा नहीं, टू हो गया। चल रेडी थ्री टू वन गो। अरे 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 ये अरे क्या कौन सी चीटिंग, तेरा गिर गया था। अरे तो गिर गया तो मैं वापस रख सकता था। लेकिन भाई तू रख सकता था, लेकिन तूने वो लिया तो नहीं ना। अरे इधर से किधर से माल मार लिया तूने, ये चीटिंग है इसकी। इधर से किधर से, मैंने ऑलरेडी ले लिया था वो चीज वापस तूने ले। चल एक काम कर, हम फिर से हाँ चल वो सही है, फिर से करेंगे भाई। ये चीटिंग वाली चीज अपने को जमती ही नहीं है। भाई मैंने चीटिंग नहीं की, वो दिख रहा मैं तेज हूँ बहुत। बराबर रेडी। हाँ वो हाथ डाल दे अंदर। चल हाँ चल चल थ्री टू वन गो। अरे दूर हो गया। अरे यार क्या मैं क्या बोल रहा हूँ सुन भाई देखो। अबे चल 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 अभी मेरी बात सुन, अभी तीन बार करेंगे। अबे चल तू जाए यहाँ से। चल नहीं भाई देखो, पहले में मैं जीत गया था, सेकंड में भी, अभी तीसरे में शायद तू भी जीत। पहले में तू जीता नहीं था, पहले में तूने चीटिंग की थी, दूसरे में तू जीता। देखो भाई अभी भारी है, बारी कुछ नहीं, अभी एक बार करेंगे ना ये। नहीं नहीं भाई रख देना अभी, अभी सबको है, अभी ऐसी वो हो रही है एक्साइटमेंट की, अभी क्या चीज होगी। चीटिंग है अभी तो रुक जा रुक जा रुक जा। तो अभी सबसे पहले, अच्छा मेरे को एक घटिया वाला काम। हाँ भाई देखो अभी जो घटिया वाली चीज है वो है ये स्ट्रॉबेरी थिक शेक। हाँ। जो राइस के साथ आकाश भाई खाएंगे, तो ये रहा राइस और ये रहा थिक शेक। तो मेरा राइस वो है। नहीं नहीं और अरे क्या नहीं नहीं, अबे चल तू जा। अरे ये तेरा है। हाँ भाई राइस में कुछ नहीं रखा है। हाँ इधर उधर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। और अभी जो विश्व खाएगा अच्छी वाली चीज वो है ये रबड़ी। भाई वो भी ये टीन के अंदर है भाई, इसका पैकिंग अच्छा है। हाँ लेकिन आप सोचो रबड़ी को राइस के साथ, यानी कि वो हो जाएगा भाई वो खीर। खीर हाँ मतलब खीर वैसा एग्जैक्टली नहीं होता, लेकिन मतलब उसके आसपास की कुछ चीज बन जाएगी। टेस्ट तो वैसा ही आएगा क्योंकि ये भी भाई राइस उबला हुआ ही है। और वैसे देखो ये थिक शेक है, तो भाई ये दूध वाली चीज तो राइस के साथ अच्छी लगती है, लेकिन ये जो स्ट्रॉबेरी है भाई वो कैसी लगेगी वो पता नहीं। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पूरा अटपटा हो जाएगा। तो भाई सबसे पहले मैं ये रबड़ी डालता हूँ मेरे राइस के अंदर। ये वाली रबड़ी वैसे हमने पहली बार खरीदी। भाई ये तो बहुत पतली है। हाँ ये तो रबड़ी के नाम पे क्या भाई है ये देख। तूने मिक्स नहीं किया। अरे अरे ये क्या है भाई। अरे बाप रे ये तो दूध ही दे दिया रबड़ी के नाम पर। दूध भी भाई इससे तो वो ठीक होता है। देखो ये रबड़ी और इसके अंदर राइस। पहले अच्छा अच्छा वाला एक्टिंग करने लगा। अरे नहीं अच्छा नहीं, सच में ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जितना जब वो पानी पूरी वाला फिर सूप वो नहीं वो मजा वाला लगा। तो ये रबड़ी उतनी टेस्टी नहीं होगी, स्मेल से तो अच्छी लग रही है।
ये पतली है ना तो नहीं उतना मजा आ रहा है भाई। तो भाई देखो ये चीटिंग की ना विश्व ने, तो उसका उसको परिणाम मिल गया। वैसे अच्छा लग रहा है खीर जैसा, लेकिन उतना भी नहीं। तो चलिए अभी ये स्ट्रॉबेरी थिक शेक डालते हैं राइस के अंदर। ओह भाई भाई ये मुझे बनाना देना प्लीज 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 प्लीज। क्या भाई देखने में तो ये ज्यादा लजीज लग रहा है। एक काम करो पहले ऊपर ऊपर से पी लो फिर नीचे नीचे से राइस खा लो। अरे उड़ते तीर क्यों ले रहा है भाई? आहा आहा, ये मेरे को खाना था तूने खा लिया। अच्छा लग रहा है? बहुत वियर्ड लग रहा है। आप ये ट्राई मत करना भाई। नहीं सच बोलूं तो ये ट्राई करने वाली चीज है दोनों। भाई मुझे लगा कि इसके साथ अच्छा लगा क्योंकि ये ठीक है थोड़ा, लेकिन भाई ये अपना सही है। नहीं नहीं मेरा तो मेरे को ये सही लगा। ये पतली रबड़ी मॉडियर राइस भाई अभी अच्छा लग रहा है। देख अभी इतनी देर वो राइस वो रबड़ी के अंदर आया ना तो अभी मिक्स हो गया अच्छा से। राइस ने पूरी रबड़ी को ऐसे ले तू टेस्ट कर ले। तू टेस्ट कर। नहीं अभी मीठे पे मीठा नहीं समझ आएगा। चलिए भाई आज की चैलेंज यहीं पर खत्म। आपको एक कैसा लगा वो नीचे जरूर बताना, और आपने राइस के साथ कौन कौन सी ऐसी खाने की चीजें ट्राई करी है वो भी जरूर बताना, और अगर नहीं की है तो आप कौन सी ट्राई करना चाहोगे वो भी नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर ट्राई कर लिया है तो भी नीचे बताना कि टेस्ट कैसा लगा। अच्छी चीज वाले होगा तो अच्छा ही लगा होगा, नहीं तो फिर भगवान भरोसे। तो चलिए आज की चैलेंज यहीं पर खत्म करते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को बोले बिना लाइक जरूर कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए मिलते हैं आपको ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।